Hello bachcho, welcome to our channel once again. We are here with an interesting lesson of unit 8. Lesson number 3. It's a funny world. Open to page number 75 of your English Bal Bharati textbook. Let's read the lesson. Lesson number 3. It's a funny world. Look and say. Oh, look at the things in the picture. Do you believe them? Spot the funny things happening in the funny world. Students, page number 75 पर आप देखेंगे एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें हर एक चीज उल्टी पुल्टी दिखाई दे रही है, बिल्कुल जैसी होनी चाहिए उसके ऑपोजिट वे में नजर आ रही है। तो हमें कहा गया है कि हम इस पिक्चर में नजर आने वाली उलट पुलट चीजों को स्पॉट करें, हम उन चीजों को जो गलत वे में बनी हुई हैं, ऑपोजिट वे में या उल्टे तरीके से बनी हुई हैं या फनी वे में नजर आ रही हैं, उन चीजों को हम स्पॉट करें। बनी हुई इस पिक्चर को देखें, क्या आप लोग यकीन करेंगे इसमें क्या उल्टा सीधा हुआ है? इस मज़ेदार और दिलचस्प पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें फनी वे में नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, पिक्चर में दिखाए हुए स्काई पर एप्पल्स हैंग हुए हैं। इज इट पॉसिबल? नो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एप्पल्स ट्री पर लगते हैं, ना कि आसमान में। So this is the first funny thing you can see in this picture. Now moving on to next funny thing. Children, as you can see in this picture, fish is hanging from the tree. एक tree बना हुआ है, tree दिखाया गया है, जिस पर fishes लटक रही हैं। क्या ये possible है कि tree पर fishes लटकें? No, fishes तो पॉन्ड में रहती हैं, वाटर में रहती हैं, वो ट्री पर नहीं हैंग होती हैं। सो दिस इज द सेकेंड फनी थिंग इन दिस पिक्चर। अब हम थर्ड फनी थिंग स्पॉट करते हैं इस पिक्चर में। ए हाउस विद अ डोर ऑन इट्स रूफ। आप तो घर में देखते हैं बच्चों कि दरवाज़ा फ्रंट साइड पे लगा हुआ रहता है, हमेशा फ्रंट साइड में ओपन होता है, या डोर हमेशा घर के फ्रंट साइड पे रहता है। क्या आपने कभी देखा है कि घर का दरवाज़ा, मेन डोर, घर की रूफ पर बना हुआ हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे इस फनी पिक्चर में एक हाउस बताया गया है जिसकी रूफ पर एक डोर नज़र आ रहा है। सो दिस इज द थर्ड फनी थिंग वी कैन सी इन दिस पिक्चर। Another funny thing is a coconut tree growing inside the house. जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों, कोकोनट ट्री बहुत ही टॉल होता है, वो घर में तो नहीं उग सकता है। कोकोनट ट्री के लिए उगने के लिए ओपन स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। कोकोनट ट्री एक बिग और ह्यूज ट्री होता है, टॉल ट्री होता है, जो ओपन स्पेस में ग्रो करता है। आप इस फनी पिक्चर में देखेंगे घर के अंदर से कोकोनट ट्री ग्रो हुआ है। सो दिस इज द फोर्थ फनी थिंग वी कैन सी इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट इज अ शिप इज सेलिंग ऑन अ रेलवे ट्रैक। पिक्चर में रेलवे ट्रैक दिखाया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बच्चों, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चलती है, ट्रेन रेलवे ट्रैक पर चलती है, लेकिन इस फनी पिक्चर में रेलवे ट्रैक पर एक शिप को सेल करती हुई दिखाया गया है। सो दिस इज द फिफ्थ फनी थिंग वी कैन सी इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट इज ए कार विद अ क्लॉक एज वन ऑफ इट्स टायर्स। एक कार नजर आ रही है रेड कलर की, जिसमें टायर की जगह पर क्लॉक बना हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कार के टायर्स में मिडल में स्पोक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के स्टाइल के स्पोक्स बने हुए होते हैं, तो
तो इंस्टेड ऑफ स्पोक्स आप देखेंगे इस रेड कलर की कार के टायर पे क्लॉक बनी हुई है. सो दिस इज द सिक्स्थ फनी थिंग वी कैन सी इन दिस पिक्चर. नेक्स्ट हम देखेंगे ए मैन इज सेलिंग अ बोट इन द ग्रास. एक आदमी बताया गया है जो बोट में बैठा हुआ है. और बोट, जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं, बोट हमेशा पानी में सेल करती है. लेकिन इस फनी पिक्चर में आप देखेंगे एक आदमी बोट के साथ ग्रास पर सेल कर रहा है. बोट ग्रास पर चला रहा है. क्या ये पॉसिबल है? नो, बिल्कुल भी नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये सेवन फनी थिंग है जो हम इस पिक्चर में नोट कर रहे हैं. नेक्स्ट है प्लांट्स विथ प्रिटी फ्लावर्स ग्रो इन बिटवीन द रोड. पिक्चर में दिखाए हुए रोड के बीच में, मिडल में. कभी आपने देखा है रोड के बिल्कुल मिडल में प्लांट्स ग्रो हुए हों? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोड पर कार्स चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं. लेकिन इस फनी पिक्चर में रोड के बिल्कुल मिडल में फ्लावरिंग प्लांट्स बताए गए हैं, जो कि एट फनी थिंग है इस पिक्चर में जो हम नोट कर रहे हैं. नेक्स्ट है ए बॉय विथ अ शर्ट हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्लीव्स, वन फुल स्लीव एंड वन विदाउट स्लीव. राइट साइड फुल स्लीव है और लेफ्ट साइड विदाउट स्लीव है. क्या आपने कभी देखी है किसी को ऐसी शर्ट पहने हुए बच्चों, जिसकी दो टाइप की स्लीव्स हो, दो टाइप की आस्तीन हो? नहीं, या तो शर्ट में हाफ स्लीव्स होती हैं, या वो विदाउट स्लीव्स या स्लीवलेस होते हैं, या फुल स्लीव्स के साथ होते हैं. पर ऐसी शर्ट तो कोई नहीं पहनता है बच्चों, जिसमें एक साइड फुल स्लीव हो और दूसरी साइड स्लीवलेस हो. सो दिस इज़ द नाइन्थ फनी थिंग We can see in this picture. Next हम इस picture में और क्या note कर रहे हैं funny thing? घर है जो house है, house के सामने pond बना हुआ है, blue color के पानी से भरा हुआ pond है. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं pond में duck है, swan है या fishes swim करती हैं. लेकिन इस funny picture में आप लोग देख रहे हैं कि pond में बटरफ्लाई स्विम कर रही हैं. बटरफ्लाई स्विमिंग इन द पॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज द लास्ट एंड टेंथ फनी थिंग वी कैन सी इन दिस पिक्चर. सो बच्चों, होपफुली आप सब ने इस फनी लेसन को खूब इंजॉय किया होगा. लेसन से रिलेटेड एक स्मॉल टेस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और अपने फाइनल स्कोर को अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करें. इट विल बी फन. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ हमारी सारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें. मिलते हैं अगली वीडियो में टेक्स्ट बुक के लास्ट लेसन के साथ. टिल देन एंजॉय ऑल द वीडियोस. Bye.